हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं कैरमल वाली सेवई। तो अगर आपने पहले कभी नहीं ट्राई की हैं तो इस तरीके से बनाना सिंपल बनती हैं लेकिन बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में। इनका टेस्ट काफ़ी अलग रहता है और लुक भी आपने देखा। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में सबसे पहले घी ले लेना है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ, 3 से 4 लोगों को सर्व करने के लिए बनेगी ये सेवई। तो 2 चम्मच हमने घी लिया है और एक ही कटोरी आप देख सकते हो। अगर मैं मेजरिंग कप से बताऊँ तो आधा कप यहाँ पे सेवइयाँ मैंने ले ली हैं। इस तरीके की ये सेवइयाँ हैं, आप कोई भी सेवई ले सकते हो जो आपके पास में अवेलेबल है। अब इसको धीमी आंच में रोस्ट करना है। अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट मैं यहीं पर डाल लूँगी, आप चाहे तो अलग से भी रोस्ट कर सकते हो। काजू और थोड़ी सी किशमिश मैंने ली हुई है यहाँ पे, साथ के साथ ही रोस्ट कर लेंगे और इनको धीमी आंच में रोस्ट करना है। सेवई जलनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो फिर इनका कलर तो चेंज हो ही जाता है, कड़वाहट आ जाती है और अंदर से ये कच्ची रहती हैं, बाहर से जल जाती हैं। अब आप देख सकते हो मैंने बराबर चलाते हुए इसे कम मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और इसे बराबर चलाते हुए मैंने भुना हुआ है और ऐसे आपके काजू भी अच्छे से सिक जाते हैं। तो अब बस इसको हमने अलग ट्रांसफ़र कर लेना है। ये देखिए कितनी बढ़िया किशमिश फूल गई है और जो सेवई का कलर है वो देखिए आप, सारी सेवई का कलर बिल्कुल इवन है, एक जैसा है। सो अब यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि मैंने दूध रख दिया था 3 कप के लगभग, यानी कि 750 ml के लगभग जो दूध रहता है उसे मैंने एक अलग बर्तन में पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि हमें इसे बनाने के लिए दूध चाहिए, वो भी पका हुआ। कच्चा दूध का इस्तेमाल नहीं करना है आपने। तो अब यहीं पे मैं इसमें डाल लूँगी हरी वाली इलायची, 2 इलायची जिन्हें खोल करके डाला है और इसमें साथ में रोस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दूध हमारा बॉयल हो गया था तो मैंने दूध को बंद कर दिया है और अब ये सेवई डाल देंगे। तो दूध को आपने बंद करके ही डालना है क्योंकि सेवई गर्म रहेगी तो जो है ये एकदम उबाल मारेगा। तो अब मैंने दूध में सेवई डाली है, आप चाहो तो सेवई में दूध डाल दो, क्योंकि मुझे इसी बर्तन में बनाना था सेवई को, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसमें डाल दिया है। अब एक बार फिर से मैंने गैस को ऑन कर दिया है और अब इसे पकने के लिए छोड़ेंगे दूध के साथ में, जिससे कि अच्छे से हमारी सेवई फूले। बीच बीच में चलाते रहेंगे, देखिए फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल किया है यहाँ पर और अब इसको बस पकने के लिए छोड़ेंगे। तब तक हम आगे की अपना कैरमल की तैयारी करते हैं। उसी कढ़ाई में मैंने ले लिया यहाँ पर जितनी सेवई ली थी उतनी ही शक्कर ले ली है और बिल्कुल लो फ्लेम में इसे हमने चलाते रहना है, बस बराबर चलाते रहना है। इसी तरीके से शक्कर आपकी जो है वो मेल्ट हो जाएगी और फिर कैरमल हो जाएगी। पानी नहीं डालना आपने एक भी बूंद का और ध्यान दें कि इसे छोड़कर कहीं मत जाइएगा और इसे बिल्कुल बराबर चलाते रहना है आपने। शक्कर जल जाएगी तो कड़वा टेस्ट आ जाएगा आपकी सेवई का, जो कैरमल है जो मतलब कैरमल सेवई आपकी जो है सही से नहीं बनेगी, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, भारी तले की कढ़ाई लेना जिससे कि जलने का कोई चांस ना रहे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेल्ट हो गई है, कितनी अच्छी तरीके से मेल्ट हुआ है ये। बस ये देखो कलर आप देख सकते हो, कोई आपको लगेगा नहीं कि ये शक्कर है, बिल्कुल गुड़ जैसा लग रहा है ना, तो ये एकदम परफेक्ट है यहाँ पर बस। और अब आपने बस क्या करना है, यहाँ देखो सेवई पकते पकते कितनी कम हो गई हैं, यानी दूध कितना कम हो गया है, इससे हमारी बहुत ही अच्छी सी गाढ़ी सेवई बनेगी और बहुत रिच टेस्ट आएगा खाने में। अब इधर क्या है कि जब सेवई आपको लगे कि अच्छे से पक चुकी हैं तब वो जो कैरमल था ना, वो कैरमल हमने इसमें डालना है। डालते समय गैस की फ्लेम को या तो बंद कर दें या स्लो कर लें, क्योंकि कैरमल गर्म रहता है तो आपने जो है देख सकते हो कैसे दूध उबाल मारता है। अब ये कैरमल डाल देंगे तो जैसे ही आपका कैरमल बन के तैयार हो जाए, जैसे मैंने बताया और दिखाया, तो वहीं पे आपने कैरमल को गैस बंद करके रख देना है, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, ठंडा हो जाएगा तो फिर से वो शक्कर हो जाएगी ना, यानी कि वो टाइट हो जाएगा। अब आप कलर एक बार चेक कर लो और बिल्कुल भी ये फटता वटता कुछ नहीं है, इसी तरीके से आपने बनाना है। डालते समय चाहो तो गैस को ऑफ कर लेना तो बिल्कुल भी दूध नहीं फटेगा। अब आप कलर देखो कितना गजब का कलर आया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छा सा सौंधापन आ रहा है। बस यही ध्यान रखना है कि इसमें कैरमल जलना नहीं चाहिए, जैसे ही शक्कर मेल्ट हो जाए, हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए, आपने गैस को सॉरी कैरमल को वहीं से बंद कर देना है, गैस ऑफ कर देनी है। अब यहाँ पर देखो मैंने गैस बंद कर दी थी तो गैस को हमने फिर से जला लेना है यहाँ पर, और जला करके फिर से इसे हम थोड़ा सा कैरमल के साथ में पका लेंगे। पका के हम ठंडा करेंगे तो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और आपका जो कैरमल खीर है या कैरमल सेवई बनकर तैयार है।